नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं माय आईटीआई ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने जा रहे हैं मोनोब्लॉक वाटर पंप के बारे में, जो कि बहुत ही बेहतर जो है रहने वाला है सभी घरों के लिए, क्योंकि गर्मियों के सीजन में एक समस्या जो है आम घरों में देखने को मिलती है कि ग्राउंड फ्लोर के से जो है आपको पानी को ऊपर उठाना है। आपके पास एक बहुमंजिला मकान है, वहाँ पर कई बार जो है पानी ले जाने में जो है समस्या आती है, तो इसलिए वहाँ पर एक पंप की आपको आवश्यकता रहती है। यदि आप भी जो है ग्राउंड फ्लोर से जो है 3-4-7-10 मंजिल तक जो है पानी को उठाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है एक वाटर मोटर जो है वहां पे लगाना जो है बहुत ही जरूरी आवश्यक रहता है, ताकि आपको प्रेशर के साथ एकदम से जल्दी से आपकी जो ऊपर 5-7 मंजिल के ऊपर जो टैंकी रखी हुई है वो जो है भर जाए, ताकि आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि गर्मियों के सीजन में जो है पानी की समस्या आने के कारण जो है वाटर सप्लाई की जो पाइप है वहां पर भी आपको जो है ये समस्या देखने को मिल जाती है, और होटल्स रेस्टोरेंट इत्यादि में भी जो आपको ये समस्या जो है फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए यदि आप भी कोई इस तरह का कोई पंप चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहे, ताकि आपको पंप के बारे में सही से जानकारी मिल सके। और हम जानेंगे इसके टाइप और किस फेज के ऊपर चलने वाला है, कितने एचपी का ये वाटर मोटर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और अंत में आपको एक प्राइस बताऊँगा कि ऑनलाइन प्राइस आपको ये किस रेट में पड़ता है, और ऑफलाइन यदि आप मार्केट से खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको किस रेट में मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे, ताकि आपको जो है सही से जानकारी मिल सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि पंप से रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वी गार्ड ब्रांड का जो है मोनोब्लॉक वाटर मोटर, जो कि बहुत ही बेहतर जो है रहने वाला है। और कहां कहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं, एक तो आप यदि आपके पास बहुमंजिला मकान है वहां पर यदि आप 2-4 मंजिल ऊपर तक जो है पानी को चढ़ाना चाहते हैं तो ये पंप आपके लिए बेहतर है। 2 से 4 मंजिल तक जो है इस पंप से आप जो है आसानी से पानी को चढ़ा सकते हैं। गर्मियों के सीजन में यदि आपके साथ ये समस्या आ रही है, और यदि आपके पास कोई अदर पंप है तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपके पास कौन से ब्रांड का जो है पंप है। और यदि आपके आपको कोई जो है उसमें समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार के मोनोब्लॉक सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो आपको समस्या आ रही है, यदि कोई आपके पास मोनोब्लॉक पंप है तो उसमें कोई समस्या आ रही है, तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा, और हम आपको एक सोल्यूशन देने की जो है पूरी कोशिश करेंगे। तो उसके बाद हम एसकेयू कोड की बात कर लेते हैं। तो एसकेयू कोड इसका जो है PUMCEN7361135, ये इसका जो है एसकेयू कोड है। और फेज की अगर हम बात करते हैं तो फेज ये सिंगल फेज के ऊपर चलने वाला पंप है, बहुत ही जो है लो वोल्टेज कंजप्शन वाला ये पंप है, बहुत कम बिजली का इसमें आपको खर्चा आने वाला है, जो कि आपको 180 से लेकर के 240 वोल्टेज तक जो है चलेगा। और उसके बाद हम इसके टाइप की बात कर लेते हैं, तो टाइप ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, क्योंकि जितने भी आपके मोनोब्लॉक वाटर मोटर होती है, जितने भी आपके टुल्लू पंप इत्यादि होते हैं, तो मोनोब्लॉक पंप जितने भी है तो सेंट्रीफ्यूगल की कैटेगरी में मैक्सिमम आते हैं। तो इस तरह के जो पंप है ये जो है आपको जो है पानी के बाहर रखने होते हैं, जैसे कि आपके पास कोई टैंक है, टैंक के बाहर ये जो है आपका टुल्लू पंप रहेगा, और जो इसकी सक्शन साइड है, सक्शन साइड की जो पाइप है वो जो है आपके पानी के अंदर जाएगी। इसमें क्या होता है कि आपके पास 15 से 20 फीट नीचे तक के पानी को जो है ये ऊपर खींचेगा, और इसकी जो मोनोब्लॉक पंप रहते हैं इनकी जो पानी फेंकने की ज्यादा कैपेसिटी होती है, क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर जो है कार्य करते हैं, तो जैसे ही इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है तो ये बाहर की ओर जो है पानी को धकेलता है ऊपर की ओर। जो पीछे से जो है सक्शन करने की जो है इसकी कैपेसिटी थोड़ा कम है, क्योंकि ये 15 से 20 फीट तक जो है आपका पानी को नीचे से ऊपर खींचता है, और आगे को जो है 40 से 50 फीट तक जो है ये पंप आपका पानी फेंकेगा। इसमें अगर हम डाई की बात करते हैं तो सक्शन और डिलीवरी डाई जो है आप 25x25 mm का लगा सकते हैं, तो जिसमें कि आपको इसमें देखने को बहुत अच्छा एक प्रेशर जो है देखने को मिलेगा। जो डिस्चार्ज पाइप आप इसमें जो है, क्योंकि ये पावर इसमें जो है 0.5 HP की है, इसमें जो आपका जो डिस्चार्ज पाइप है वो आपका जो है आधा इंच का होना चाहिए। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कहां कहां पे और आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके कोई कार वॉशिंग का काम है वहाँ पर ये पंप जो है आपको बहुत ही सुटेबल पंप है उस जगह, क्योंकि कार वॉशिंग के लिए जो है प्रेशर की जरूरत
जाती है, तो ये पंप आपको पूरा प्रेशर देगा और एकदम से आपकी जो कार गाड़ी जो भी है वो जो है बिल्कुल साफ आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। और एक यदि आपके पास कोई होटल रेस्टोरेंट है वहाँ पे पानी की खपत ज़्यादा होने के कारण जो है वहाँ पे भी आप इन पंपों का जो है प्रयोग कर सकते हैं, जो कि मोनोब्लॉक पंप रहते हैं। और उसके बाद हम इसके बात कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी ये 50 हर्ट्ज के ऊपर चलेगा। और यदि आपको भी इस तरह का कोई पंप चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा करके भी आप जो है परचेज कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अब हम बात कर लेते हैं इसके मॉडल के। मॉडल आपको मॉडल नंबर इसका है VCH45, ये इसका मॉडल नंबर है। यदि आप भी खरीदना चाहते हैं सेम इसी तरह का पंप, यदि आपको 30 से 40 फीट हाइट तक पानी को ले जाना है तो वहाँ पे जो है ये पंप आपको बेहतर रहता है। यदि आपको कोई घर के आसपास कोई आपके पास गार्डन है वहाँ पे भी जो है इस पंप का आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आपने साग सब्जी अपने यूज़ के लिए जो है कहीं पर लगाई है घर के इर्द गिर्द तो वहाँ पर भी इस पंप का जो है आप प्रयोग जो है सिंचाई के लिए कर सकते हैं। थोड़ा सा क्योंकि ये गार्डन छोटा आपके कम सिंचाई करेगा, गार्डन इत्यादि के लिए जो है बहुत बेहतर है। और यदि आपको ज़्यादा सिंचाई करनी है तो ज़्यादा सिंचाई वाले पंप जो है बड़े पंप रहते हैं, जो कि मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा करके भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपको सिंचाई के लिए जो है कौन सा पंप लेना चाहिए। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा कि सिंचाई के लिए जो आपको कौन से पंप जो है लेने चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। प्राइस इसमें आपको 5,780 में ये ऑनलाइन मिलेगा, तो यदि आप इसको मार्केट से खरीदते हैं तो थोड़ा सा नीचे ऊपर हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो वाकई अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि पंप से रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिले किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।